मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर नीना को अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर उसका हस्बैंड उसे सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ जाता है। उसका नाम था माइक। माइक को ट्रेकिंग करने के लिए जाना बहुत ही अच्छा लगता था। साल में एक बार वो ट्रेकिंग करने के लिए 1 महीने के लिए जाता था। इस बार वो जल्दी घर पर आ गया। नीना उससे पूछती कि जल्दी कैसे आ गया। माइक को अनोइंग लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। उन दोनों को 2 डॉटर्स है पर इस रिलेशनशिप में माइक जरा बोर हो चुका था। नेक्स्ट सीन में नीना अपने ऑफिस में जाती है। वहाँ पर उसे एक सरप्राइज मिलता है। एक न्यू कलीग आया है जिसका नाम था यानिक। एक्चुअल में यानिक और नीना एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और यहाँ पर एक दूसरे को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। नीना यानिक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यानिक कहता है कि ये मेरा फर्स्ट डे है। नीना कहती है कि मुझे एक असिस्टेंट मिलने वाला था, शायद तुम वही हो, क्योंकि वो दोनों सेम ही डिपार्टमेंट में थे। इसके बाद हमें पता चलता है यानिक और नीना ये जब यंग थे तभी से एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे। यानिक को नीना के साथ ऐसा लगता था कि जैसे उनमें एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो। उस तरीके का उनका कनेक्शन किसी और के साथ होता नहीं था। काम करते वक्त नीना की कलीग एग्ना यहाँ पर आती है। वो यानिक को देखती है और उसे बहुत पसंद आता है। वो डायरेक्टली उसे डेट के लिए पूछ रही थी, पूरी तरीके से उसे फ्लर्ट कर रही थी, पर नीना उसे कहती है कि अब हम काम कर रहे हैं, तुम्हें कन्वर्सेशन बाद में करना। नीना को उसकी मदर का कॉल आता है। आज रात उन्होंने पार्टी रखी थी क्योंकि उनकी आज एनिवर्सरी थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। नीना इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी। पार्टी के लिए नीना को सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी और इसी वजह से वो माइक को कॉल करती है। माइक कहता है कि आज मैं बहुत ही बिजी हूँ। नीना कहती कि पहले मेरी बात तो सुन लो। वो कहती है कि हमारी डॉटर्स को स्कूल से लाना है। माइक कहता है कि तुम्हारी मदर को बता दो। नीना कहती है कि अगर मैंने मदर को बताया तो मुझे बहुत ज्यादा डांटती है। इसके बाद माइक खुद ही नीना की मदर को कॉल कर देता है। माइक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उनकी कंपनी के लिए सीईओ को हायर कर रहा था। उसे कहता है कि जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो इससे तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी, तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए। इस डील के ऊपर वो बहुत टाइम से काम कर रहा था। सब कुछ रेडी कर नीना स्कूल में जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि नीना की मदर ऑलरेडी डॉटर्स को लेकर वहाँ से चली गई। वो घर पर आती है तो उसके फादर हर जगह पर मदद कर रहे थे। उन्हें इस सिचुएशन के बारे में पता था कि नीना पर बहुत ही लोड आ रहा है। फादर कहते हैं कि रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही पर्सन अगर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होगा तो ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। माइक को भी इसमें एफर्ट्स डालने चाहिए। नीना कहती है कि माइक मेरे साथ रहता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद माइक घर पर आ जाता है। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे तो नीना की मदर स्पीच देती है। रात में नीना और माइक के दोनों करीब आ रहे थे। वो दोनों इंटीमेट हो पाते उससे पहले उनकी डॉटर उनके पास सोने के लिए आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यानिक और नीना अपने एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें एक सीरीज क्रिएट करनी थी। इस सीरीज के लिए नीना आइडिया देती है कि ह्यूमन बॉडीज के बारे में हमें बनाना चाहिए। यानिक को आइडिया बहुत पसंद आता है। इस पर फिर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाते हैं। लोगों में अपनी बॉडीज को लेकर क्या क्या इनसिक्योरिटीज होती है। यानिक का मानना था कि बॉडी को लेकर हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, एज अ पर्सन हम कैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन दोनों का पास्ट का सीन देखते हैं। वहां पर नीना उसे कह रही थी कि मैं तुमसे एज में बड़ी हूँ, तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें चिढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जब वो रिलेशनशिप में थे तब भी उनमें बहुत ज्यादा एज गैप था। माइक कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उसके फ्रेंड से मिलवाने के लिए इनवाइट करता है। प्रेजेंट में नीना की डेस्क पर कॉफी नीचे गिर जाती है। उसके ड्रॉवर में से वो अपनी फैमिली की फोटो निकालती है। यानिक इस बात से सरप्राइज था कि नीना को 2 डॉटर्स है। वो इनके नाम पूछता है। नीना ने उनके नाम बताया तो यानिक इस बात से भी सरप्राइज था। पास में उन्होंने डिसाइड किया था कि जब उन्हें बच्चे होंगे तो उनके नाम वो क्या रखेंगे। वही नाम नीना ने अपने डॉटर्स के रखे है। यानिक अभी अभी इस सिटी में शिफ्ट हुआ था। लास्ट टाइम नीना के साथ ब्रेकअप करने का रीजन ये था कि उसे अलग कंट्री में शिफ्ट होना पड़ा था। नीना उससे पूछती कि वहाँ पर तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। यानिक कहता है कि मुझे जो भी सीखना था, जो एक्सप्लोर करना था, वो सारी चीजें मैं कर चुका। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यानिक से मिलने के लिए उसकी सिस्टर आई हुई थी। उसे यानिक जरा अलग लगता है। उसे पूछती है कि हुआ क्या है, तुम बहुत ही अलग लग रहे हो, क्या तुम प्यार में हो। यानिक इस बात पर स्माइल कर देता है। सिस्टर उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी कि वो लड़की है कौन, क्या वो ब्यूटीफुल है। यानिक कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी शादी हो चुकी है और उसे डॉटर्स भी है। ये बात सिस्टर को बहुत ही अजीब लगती है। वो कहती है कि तुम किसी का घर तोड़ दोगे। यानिक कहता है कि एक बार मैं इस प्यार से भाग चुका हूँ और मैं फिर से नहीं भागना चाहता। रात में नीना यानिक से ही टेक्स्ट कर रही थी। माइक उसे बुलाने के लिए आता है और उसके लिए वाइन लाता है। वो आज सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि उसकी डील कम्प्लीट हो चुकी। वो आज बहुत ही खुश था। नीना कहती है कि हमें फिर सेलिब्रेट करना चाहिए, कहीं पर वीकेंड के लिए जाना चाहिए। माइक कहता है कि हम जाएंगे, पर मैं सोच रहा था कि फिर से 1 महीने के लिए मैं आइसलैंड जाकर आऊं। नीना कहती है कि तुम तो 2-3 महीने के बाद जाने वाले थे। माइक कहता है कि मुझे अभी जाने की जरूरत है। नीना ने कहा कि यहाँ पर मुझ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी चीजें मुझे संभालनी पड़ेगी, मेरा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी। माइक कहता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, डोंट वरी। नीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन माइक बच्चों को अपनी मदर के पास छोड़ने के लिए जा रहा था। वो चाहता है कि नीना को जरा
रिलैक्स लग सके। काम के वक्त नीना और रियान एक ही अलग अलग जगह पर जाते हैं। वहां पर वो लोगों की फोटोज ले रहे थे। फोटो लेते लेते वो करीब आ जाते हैं तो नीना कहती कि हमें एक दूसरे से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। माइक अब यहाँ से जाने वाला था, उसे ड्रॉप करने के लिए सब लोग आ रहे थे। माइक कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही जाना चाहता था। नीना कहती कि हमने इसके बारे में बात की थी, एक अच्छी बात है कि हम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं। माइक इसके लिए कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम आना। नीना इस बात से गुस्सा थी, पर फिर माइक वहां से चला जाता है। नीना अपने डॉटर्स को लेकर पार्क में आ जाती है। आज शाम नीना और यानिक ये दोनों एक जगह पर डिनर करने के लिए आते हैं। नीना को ठंड लग रही थी तो यानिक उसे अपना जैकेट देता है। अपने फोन पर नीना जब बात कर रही थी तो यानिक उसकी पिक्चर्स लेता है। वो कहता है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए। नीना भी फिर उसके पिक्चर्स लेने लग जाती है। नेक्स्ट डे यानिक ने उनके पास्ट के पिक्चर्स नीना को दिखाए। वो नीना के करीब आ रहा था पर तभी नीना को घर से कॉल आ जाता है। उसकी डॉटर को बुखार था, वो घर में फर्स्ट एड किट ढूंढ रही थी पर उसे मिल नहीं रहा था। वो माइक को कॉल करती है और इसके बारे में पूछती है। माइक कहता है कि किट लेकर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नीना उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें घर पर कुछ तो छोड़कर जाना चाहिए था। वो उसे हेल्प मांग रही थी पर माइक कहता है कि यहाँ से मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। वो फिर इस फोन को काट देता है। पैरेलल में हम देखते हैं यानिक को जबरदस्ती एग्ना ड्रिंक के लिए लेकर जा रही थी। वो नीना के बारे में बात कर रही थी कि उसे वो पसंद नहीं है, उसे वो जरा ओल्ड लगती है, वो उसके ऑफिस में फ्रेंड नहीं बन सकती। यानिक के साथ उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यानिक को फिर नीना को कॉल आ जाता है, उसे मेडिसिन और खाना लाने के लिए उसकी हेल्प चाहिए थी। यानिक फिर मेडिसिन लेकर तुरंत वहां पर आ जाता है। रात में वो वहां से चला गया पर एक नोट छोड़ कर गया जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। उसके लिए ब्यूटीफुल सा डिनर बनाकर हो गया था। नीना को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि माइक अकेला था, उसे नीना की याद आ रही थी। अगले दिन यानिक फिर से कुछ चॉकलेट्स और कुछ मेडिसिन लेकर आता है। एक डॉक्टर को तो बहुत पसंद आता है पर जो बीमार थी उसे लगता है कि यानिक को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यानिक फिर चला गया। नीना को माइक का कॉल आता है, वो अपनी डॉक्टर से बात करता है। उसे पता चला कि यानिक यहाँ पर नीना की हेल्प करने के लिए आया है। वो यानिक के बारे में जानता नहीं था, वो इसके बारे में नीना से पूछता है। नीना कहती है कि यानिक मेरा एक कलीग है और उसे मैंने हेल्प के लिए बुला लिया था। माइक कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत थी तो तुम्हें अपनी मदर को कॉल करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना के घर पर उसकी मदर आ जाती है। माइक ने उन्हें कॉल कर दिया था। मदर अब माइक के आने तक यहीं पर रहने वाली थी। ऑफिस में जब नीना और यानिक लिफ्ट में थे तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। लिफ्ट में कोई आ जाता है और फिर नीना वहां से चली जाती है। नीना को माइक का कॉल आया, उसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। नीना कहती है कि क्या तुमने मुझे कोई ऐसा रीजन दिया है जिससे मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। माइक फिर फोन रख देता है। घर पर नीना की मदर जब सब कुछ साफ सफाई कर रही थी तो उसे वाइन की बॉटल का ढक्कन मिलता है। वो इस बात से अपसेट हो जाती है कि यहाँ पर बच्चे बिक रहे होते, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। नीना को उसकी मदर बहुत ही अनोइंग लगती है। नेक्स्ट सीन में अपने रिसर्च के ऊपर बात करते हुए नीना और यानिक के दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यानिक उसे कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ रुक रही हो। इसके बाद दोनों घर पर आ वहां पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नीना कहती कि मेरी बॉडी अब बदल चुकी है, मैंने दो बच्चियों को बर्थ दिया है। यानिक कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में माइक अपनी डॉटर्स के साथ बात कर रहा था। यहाँ पर भी नीना और माइक में ज्यादा कुछ बात नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना और यानिक एक रिसोर्ट पर आते हैं। वहां पर वो मसाज वगैरह लेते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। नीना माइक की कार लेकर आई थी तो यानिक कहता है कि ये कार तो बहुत ही अच्छी है, तुम इसे ऑफिस क्यों नहीं लेकर आती। नीना कहती है कि माइक की है, मेरा खुद का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी डॉटर्स है। इसके बाद दोनों एक लेक के पास आए। यानिक कहता है कि ऐसा लगता है कि हमेशा यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहो। नीना को भी वैसा ही लग रहा था, वो पूरी दुनिया से दूर जाना चाहते थे। पर फिर नीना कहती है कि मेरी डॉटर्स क्या क्या होगा, हमारी सिचुएशन बहुत ही हार्ड है, हमेशा क्वेश्चन उसकी फैमिली का ही आ जाता है। इन सब बातों की वजह से नीना बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी और रात में घर पर रो रही थी। उसकी मदर आकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ। उसकी मदर उसे पूछती है कि हुआ क्या। नीना कहती है कि मुझे प्यार हो गया है और उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मदर कहती है कि इससे तो तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी, तुमने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा नहीं है, तुम्हारी डॉटर्स इसके बारे में क्या सोचेंगे, माइक की और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी उसे भी अपने खुद के बच्चे चाहिए होंगे। एक आदमी अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकता, इसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए। हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक ही होती है और वो है फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। नीना बहुत ही कंफ्यूज थी, उसे पता नहीं था कि वो क्या करे। उसकी मदर उसे कहती कि तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। अगले दिन ऑफिस में यानिक नीना को मसाज दे रहा था। ये जब एग्ना देखती है तो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तुम उसे हरास कर रही हो। उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं।
याने कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने एक इंटरव्यू दी थी, उसे एक बहुत ही बड़ा जॉब मिल रहा है। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। नीना कहती है कि तुम्हें वो जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और चले जाना चाहिए, मैं अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माइक जहाँ पर ट्रेकिंग करने के लिए आया था वहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है। वो बात करने लगते हैं तो बातों बातों में वो कहता है कि मैं हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आना चाहता था, पर कभी भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वो हमेशा मेरा साथ दे रही थी पर फिर भी मैंने उसे फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने कभी भी उसे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी नहीं। इवेंचुअली मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एक साल बाद मुझे पता चला कि जब मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया था उससे पहले उसे कैंसर था, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस करता है। किस तरीके से हम लोगों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये रियलाइज कर माइक को बहुत बुरा लगता है। उसे भी लगता है कि उसे नीना के पास वापस जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना अपने फादर के साथ बात कर रही थी। नीना ने अपनी मदर को जो बताया था फादर को भी पता था। फादर कहते हैं कि तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो उस सिचुएशन से मैं भी गुजरा था, मैंने एंड में फैमिली चूज की थी। फादर ने डिसीजन नीना के लिए लिया था, अगर वो फैमिली तोड़ देते तो नीना पर इफेक्ट पड़ सकता था। फादर कहते हैं कि अब मैं उस डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ। उन्हें लगता है कि अगर पेरेंट्स खुश ना रहे तो बच्चे भी खुश नहीं रह सकते। फादर उन दिनों पर इमोशनली अपसेंट थे और ये बात नीना ने रियलाइज की थी, बचपन में भी वो बात जान सकती थी। फादर उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हें वही करना चाहिए, बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यानिक को दूर कर नीना फिर से उसके पास वापस आ जाती है। उसे कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, तुमसे दूर जाना ऑलरेडी हार्ड है, प्लीज इसे और भी हार्ड मत बना। नीना सुनती नहीं, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। आने से पहले नीना माइक से कॉल पर बात कर रही थी, उसका कॉल ऑन ही रह जाता है। माइक नीना की यानिक के साथ आवाज सुन लेता है, इस बात से उसे बहुत बुरा लगा, वो तुरंत वहां से निकलना चाहता था। रात में उसने नीना को कॉल किया और इस बात के लिए वो उसे कन्फ्रंट करता है। नीना को इससे बहुत बुरा लगा, वो रोते हुए यानिक के पास आई, वो कहती है कि माइक को सब कुछ पता चल चुका है। यानिक उसे सपोर्ट देता है। अगले दिन जब माइक वहां से निकल रहा था तो देखता है कि एक खाई में एक आदमी बेहोश होकर पड़ा हुआ है, ट्रेकिंग करते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था। माइक जल्दी से रेस्क्यू टीम को वहां पर बुला लेता है, उस आदमी को बचाने के लिए वो नीचे आ गया। नीना फिर माइक को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाती है, वहां की रेस्क्यू टीम उसे लेने के लिए आई। वो कहती है कि माइक ने एक आदमी को बेहोश देखा था, उसे हेल्प करने के लिए वो गया है, मैं आपको वहीं पर लेकर जाती हूँ। माइक जब उस आदमी को हेल्प कर रहा था तो ऊपर आते वक्त उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। रेस्क्यू टीम की लेडी और नीना ये दोनों बात करते हैं। वो कहती कि मैं और मेरा हस्बैंड ये दोनों रेस्क्यू का काम करते हैं। जब मैं जॉब पर होती हूँ तो वो बच्चों का ख्याल रखता है और जब वो काम करता है तो मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ। एक दूसरे को सपोर्ट कर वो आसानी से इस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक से उन्हें कॉल आता है और माइक के बारे में पता चलता है। माइक हॉस्पिटल में था तो नीना को हॉस्पिटल में ही लेकर जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या माइक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ भी बता नहीं सकते, वो कोमा में है और कोमा से वापस आने के बाद ही हम कुछ बता सकेंगे। नीना माइक के पास बैठकर सोच रही थी, उसे यानिक का कॉल आता है और यानिक कहता है कि तुम घर पर कब आ रही हो। नीना उसे सारी सिचुएशन बताती है, वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। यानिक डायरेक्टली कॉल को कट कर देता है। अगले दिन वो उसके पास पहुंच गया, उसे कहता है कि मुझे पता है कि डिसीजन लेना तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड है, पर मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूं, तुम्हें जो डिसीजन ठीक लगे तुम वो ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नीना जब माइक के साथ थी तो उसे होश आ जाता है। माइक उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें इस रिलेशनशिप को और एक चांस देना चाहिए। नीना ने माइक का हाथ पकड़ा हुआ था पर माइक को कुछ भी फील नहीं हो रहा था।